नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के तमाम जिलों में सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कटेगा चालान। बीपीएससी ने आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दिशा निर्देश किए जारी। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक की होगी ऑनलाइन स्कैनिंग। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय में हुआ बदलाव। फास्टैग डीएक्टिवेट होने के बाद करेगी काम। केंद्र सरकार ने पीएम सूरज पोर्टल की शुरुआत की। आरएसबी आईसीसी की रैंकिंग में टेस्ट मैच के बने दुनिया के नंबर एक बॉलर। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने कई विभागों में भर्ती निकाले हैं। ये भर्ती चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आई है। इस भर्ती के तहत विभागों में कुल 146 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2024 है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ₹1000 आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से केवल ₹175 लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार के तमाम जिलों में सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कटेगा चालान। राजधानी पटना के बाद अब बिहार के तमाम जिलों में सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर चालान काटे जाएंगे। मालूम हो कि पटना में सीसीटीवी से लैस कर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। इससे ही पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग होगी। साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काटा जाएगा। यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने से लोगों के खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जाएगी। भीड़ भाड़ वाले व्यस्त जगहों पर और चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही इन पर नजर रखा जाएगा। जल्द ही बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए टेंडर जारी होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कपिल देव प्रसाद के बारे में। बिहार के रहने वाले कपिल देव प्रसाद ने पूरे भारत में अपनी पहचान एक बुनकर के रूप में बनाई थी। ये बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। इन्हें इनकी बुनकर कारीगरी 52 बूटी के लिए राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने बुनकर कारीगरी के ये गुण महज 15 साल की उम्र में सीख लिए थे और तब से लेकर अब तक ये इनके जीविकोपार्जन साधन बना रहा। इनकी कारीगरी को न केवल राज्य बल्कि देश भर में भी खूब सराहना मिली है। 52 बूटी साड़ी का निर्माण करने वाले ये प्रसिद्ध कलाकार बीते ही दिन हमें अलविदा कह गए। बीपीएससी ने आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दिशा निर्देश किए जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने फेज 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि 15 मार्च को 2 पालियों में 26 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले अभ्यर्थियों को सेंटर पर पहुंचना होगा। वहीं परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षार्थियों को सेंटर पर एंट्री की अनुमति दी जाएगी। ओएमआर सीट में प्रश्न बुकलेट का सीरीज अंकित किया रहेगा। रोल नंबर पर केवल गोला रंग कर सुनिश्चित करना होगा। वहीं डॉक्यूमेंट जांच के दौरान गलत पाए जाने के बाद उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कदाचार पाए जाने पर 5 साल के लिए परीक्षा से सस्पेंड कर दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय में हुआ बदलाव। बिहार में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय में बदलाव हुआ है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुविधा का समय में बदलाव किया गया है। अस्पतालों में दोपहर के समय में ओपीडी की सेवा का फायदा उठाया जा सकेगा। मार्च के अक्टूबर तक के लिए ये सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार ओपीडी का समय सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है। वहीं शाम के समय में 4 बजे से 6 बजे तक ओपीडी की सेवा मिलेगी। ओपीडी के निबंधन का समय सुबह में 8 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक है, जबकि शाम में 3:30 बजे से 5 बजे तक ओपीडी निबंधन का समय तय किया गया है। इधर रविवार और सरकारी छुट्टी के दिन ये सेवा बंद रहेगी। किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक की होगी ऑनलाइन स्कैनिंग। बिहार में परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक की ऑनलाइन स्कैनिंग की जाएगी। इसके जरिए अब फर्जी लाइसेंस की आसानी से पहचान की जा सकेगी। इसके लिए जरूरत के मुताबिक स्कैनर भी लगाया जाएगा। राज्य के सभी चेक पोस्ट और प्रमुख चौक चौराहे पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। वहीं यातायात नियमों का
उल्लंघन करने से गाड़ी चालकों पर जुर्माना लगेगा। लाइसेंस को स्कैन कर इसे रद्द करने की प्रक्रिया भी चलेगी। इस काम को ऑनलाइन किया जा सकेगा। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 2700 किलोमीटर की नई सड़क का होगा निर्माण। बिहार में 2700 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 500 पुल भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये निर्माण कार्य होगा। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 1823 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं जरूरत के अनुसार आगे की राशि दी जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग सड़कों के निर्माण के लिए कार्य योजना को तैयार कर रहा है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि को आवंटित कर दिया है। आम के पेड़ को कीट से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को आम के मंजर लगने से लेकर टिकोले आने तक के लिए कीट से बचाव के तरीके बताए हैं। किसानों को अभी से ही आम के पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। मंजरों की सुरक्षा के लिए 3 छिड़काव सही समय पर किया जाता है। पेड़ में पहला छिड़काव मंजर आने के पहले किया जाता है। इसके बाद दूसरा छिड़काव मंजर जब मटर के दाने के साथ दिखते हैं तो किया जाता है। वहीं तीसरा छिड़काव कीटनाशी के साथ फफूंदी नाशी को मिलाकर किया जाता है। पानी में हमेशा रसायन की सही मात्रा का उपयोग कर छिड़काव करना चाहिए। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे राजगीर ग्लास ब्रिज के बारे में। ये ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा जिले में आपको देखने को मिलेगा। इस ब्रिज को चीन के हांगझो प्रोविंस में बने ग्लास ब्रिज के समान बनाया गया है, जो नालंदा में जेठिया मार्ग पर स्थित व्यवहार गिरी पर्वत पर है। इस ग्लास ब्रिज पर चढ़कर आप प्राकृतिक खूबसूरती को निहार सकेंगे। इस ब्रिज पर चढ़ने के लिए आपको 150 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। ग्लास ब्रिज घूमने आए पर्यटक रोप वे और साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी का मजा भी ले सकते हैं। बिहार में 1000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। बिहार में 1000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। यहां कई शिक्षकों के दस्तावेज में रोल नंबर समान पाया गया है। राज्य में 1205 नियोजित शिक्षक जांच के घेरे में हैं। 21 मार्च तक चरणबद्ध तरीके से इनका सत्यापन किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में आकर सत्यापन नहीं कराने वाले शिक्षकों को नोटिस भेजा जाएगा। इधर संबंधित जिलों को भी आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। विभाग ने 2 शिक्षकों के समान रोल नंबर पाए जाने के कारण जांच का फैसला लिया है। बताया जाता है कि कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो सक्षमता परीक्षा के दौरान 2 फॉर्म भरे हैं। इस मामले की भी जांच की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक और छात्र दोनों की 75% उपस्थिति अनिवार्य। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक और छात्र दोनों की उपस्थिति को लेकर आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि छात्र और शिक्षक दोनों की ही कॉलेजों में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक से ली जाएगी, साथ ही एग्जाम का वीडियो बनाया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन को स्नातक और पीजी की परीक्षा का वीडियो बनाकर देना होगा। कॉलेजों का अब लगातार निरीक्षण नहीं करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि प्राचार्य सारे दस्तावेजों का सत्यापन करें, इसे NMC के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए नया पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। आज से थम जाएगी सहनाई की गूंज। आज से सहनाई की गूंज थम जाएगी। दरअसल आज से खरमाश शुरू हो रहा है। इस दौरान शादी नहीं होगी, साथ ही मुंडन छेदन जैसे 16 संस्कार भी नहीं होंगे। मान्यताओं के अनुसार खरमास के दौरान गृह प्रवेश, नई दुकान का निर्माण, घर बनाने की शुरुआत, सगाई जैसे काम भी नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें कि 13 अप्रैल तक खरमास होगा। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद खरमास खत्म हो जाएगा। वहीं खरमास के दौरान पितृ पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। मालूम हो कि आज दोपहर 2 बजे के बाद सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद खरमास की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान से राज्यपाल ने किया इनकार। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से संचित अरबों की राशि विश्वविद्यालय की अपनी सुविधा के लिए है। इस राशि को शिक्षा विभाग के आदेश पर अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। मालूम हो कि मिथिला विश्वविद्यालय के सभी अतिथि शिक्षकों के मानदेय के रूप में भुगतान करता है। जानकारी के अनुसार मिथिला समेत संस्कृत विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का वेतन कई महीनों से लंबित है।
जानिए आज के मौसम का तापमान। प्रदेश के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में 5.8 किलोमीटर ऊपर तक उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार फिर से अधिक गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। फास्टैग डीएक्टिवेट होने के बाद करेगी काम। पेटीएम पेमेंट्स के अलावे अन्य बैंक की ओर से जारी किए गए फास्टैग केवाईसी को अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी थी। वहीं बिना फास्टैग के टोल टैक्स को जमा करने से में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फास्टैग पर लिखे गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिन यूजर्स का फास्टैग डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, वो किसी भी तरीके से इसे वापस ले एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। केवाईसी को पूरा करने के बाद आप नया फास्टैग ले लें। वहीं एक वाहन के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग हो सकता है। fastag.ihmcl.com पर आप अपना फास्टैग चेक कर सकते हैं। मालदा आनंद बिहार स्पेशल ट्रेन के चलने से बिहार और बंगाल के लोगों को होगा फायदा। होली में बिहार आने वाले लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, इस कारण रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे ने भागलपुर होकर नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन मालदा टाउन से आनंद विहार के बीच चलेगी। गाड़ी संख्या 03435 मालदा आनंद विहार स्पेशल 25 मार्च और 1 अप्रैल को आनंद विहार से चलेगी। इस ट्रेन के परिचालन से बिहार और बंगाल दोनों ही राज्यों के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। लोगों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। बिहार में अलग अलग हादसों में 11 लोगों की गई जान। बिहार में बीते दिन अलग अलग हादसों में 11 लोगों की जान चली गई है। पटना सिविल कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिजली का ट्रांसफर अचानक फट गया और इसमें 2 वकीलों की जान चली गई, वहीं कई लोग जख्मी हैं। इस घटना के बाद बार काउंसिल ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर मुजफ्फरपुर के मकसूदनपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। रोहतास के गुप्ता धाम जा रहे श्रद्धालुओं की भरी पिकअप वैन के दुर्गावती जलाशय में गिरने से 4 महिलाओं की जान चली गई। इस हादसे पर भी मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जदयू ने दिया अपडेट। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जदयू नेता अशोक चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए में जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। जदयू और भाजपा की ओर से संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान होगा। जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि जल्द ही यहां मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। बताया जाता है कि एनडीए में सीट बंटवारे का पेच लगभग सुलझ चुका है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले बिहार में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मुकेश सहनी ने वीआईपी के गठबंधन को लेकर दी जानकारी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बयान दिया है। उन्होंने वीआईपी के गठबंधन को लेकर जानकारी दी है और कहा है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी के लिए सीट मायने नहीं रखती है। उनकी चाहत है कि निषाद आरक्षण की मांग को स्वीकार किया जाए। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में से अगर किसी को भी निषाद का वोट चाहिए तो उन्हें निषाद आरक्षण की बात को स्वीकार करना होगा। मुकेश सहनी ने कहा कि जो भी आरक्षण की बात पर सहमति देंगे वो उसी के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा है कि बिना आरक्षण के वो समझौता नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम सूरज पोर्टल की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने पीएम सूरज पोर्टल की शुरुआत की है। ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है और इसके माध्यम से सामाजिक उत्थान, जनकल्याण और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ऋण सहायता को स्वीकृति दी जाएगी, साथ ही पात्र लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस पोर्टल के जरिए कई लोग आसानी से लोन ले सकेंगे। कई लोगों को 15 लाख रुपए तक का उद्योग लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए आसानी से अप्लाई करना संभव हो सकेगा। मालूम हो कि पीएम सूरज पोर्टल का उद्देश्य समाज से वंचित वर्गों का उत्थान करना है, साथ ही इससे व्यवसाय के नए अवसर भी खुलेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन बम्बई में किया गया था। आज के दिन वर्ष 2007 में कारगिल और स्कार्दू भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा करने पर सहमत हुए थे। आज के दिन वर्ष 1913 में प्रसिद्ध भारतीय मलयालम साहित्यकार एस के पोट्टिकाट का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1965 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आमिर खान और 1974 में रोहित शेट्टी का जन्म हुआ था। आर अश्विन आईसीसी की रैंकिंग में टेस्ट मैच के बने दुनिया के नंबर एक बॉलर। आर अश्विन आईसीसी की रैंकिंग में टेस्ट मैच के दुनिया के नंबर एक बॉलर बन गए हैं।
उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में 26 विकेट अपने नाम किए थे। इसके बाद आईसीसी की ताजा रैंकिंग में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है और नंबर एक पर जगह हासिल कर ली है। अश्विन के रेटिंग पॉइंट 870 हो चुके हैं। इधर रोहित शर्मा ने भी लंबी छलांग लगाई है। रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है, इसके बाद वे छठे नंबर पर पहुंच चुके हैं। इधर यशस्वी जायसवाल 712 रन बनाने के बाद आठवें पायदान पर पहुंच चुके हैं। देश भर में डॉक्टर को लिखने होंगे जेनेरिक दवाइयां। देश भर में डॉक्टर को जेनेरिक दवाइयां लिखनी होंगी। इसका कारण है कि चिकित्सकों को अब महंगे गिफ्ट आदि नहीं मिल सकेंगे। वहीं डॉक्टर मुफ्त में विदेश की यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के मार्केटिंग के तरीकों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार की ओर से दवा कंपनियों के लिए कॉमन कोड जारी करने का निर्देश है। इसके हिसाब से अब दवा कंपनी डॉक्टर को महंगे तोहफे आदि नहीं दे सकेगी। इसके साथ ही डॉक्टरों को विदेश यात्रा के लिए महंगे फंड भी नहीं दिए जाएंगे। इस तरह के प्रैक्टिस को गैर कानूनी माना जाएगा। इसमें आम लोगों को लाभ मिल सकता है, साथ ही हेल्थ दवा फूड सप्लीमेंट आदि में मिलावट खत्म होने की बात भी कही जा रही है। सेंसेक्स 906 अंक गिरा नीचे। क्लोजिंग बेल तक सेंसेक्स 906.07 अंक नीचे गिर गया है। ये 1.23 अंक नीचे गिरकर 72761.89 अंक पर था। इधर निफ्टी 1.51% यानी 338 अंक गिरकर 21999 पर बंद हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई है। सुबह अच्छी शुरुआत होने के बाद शेयर बाजार नीचे गिर गया। वहीं कारोबार के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स औंधे मुंह नीचे गिर गया। निफ्टी मिड मैप 100 इंडेक्स 4.88% या 2348.65 अंक टूट गया है। बाजार में कारोबार के दौरान 3974 शेयरों में से 3532 कंपनियों के स्टॉक टूट के साथ बंद हुए थे। अब WhatsApp पर 3 से ज़्यादा लोगों के चैट को कर सकेंगे पिन। WhatsApp पर अब तक हम 3 चैट को ही पिन कर पाते थे, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा लोगों के चैट को पिन कर सकेंगे। इसमें पर्सनल और ग्रुप चैट दोनों शामिल हैं। WhatsApp के इस फीचर के अपडेट होने के बाद अब आप अपनी ज़रूरत के किसी भी 3 से ज़्यादा चैट्स को पिन कर सकेंगे। WA Beta Info की एक रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp भविष्य में आने वाले अपडेट के जरिए अपने इस फीचर को रोल आउट करना शुरू करेगा। फिलहाल ये फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नृपतों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 96 ऑस्कर पुरस्कार में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी है 12th फेल, ऑप्शन सी है बारबी मरमेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ओपेनहाइमर। किसने नागरिकता अधिनियम लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक विभाग। इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार। किसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है लोकसभा। इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। 29-30 अगस्त को 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी है यदुनंदन शर्मा ने। इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 103, ऑप्शन डी है 9। इसका सही उत्तर है 101। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सादुल्ला पालवी, बाबूलाल यादव, आरती यादव, रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार, चंदेश्वर मिस्त्री, भारत प्रसाद, शोभानंद ठाकुर, राजीव कुमार, कुंदन कुमार, विकास दास, नितेश कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, चंदन टुड्डू, मोहम्मद साकिर हुसैन, मंजेश महतो, उमेश ऋषिदेव, गोनर शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, पंकज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है,
बिहार के सभी जिलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालान कटने के तरीके पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।